श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित की जा रही है भागवत कथा। हम आपको बताएं कि चंदापुर स्टेट के बड़े राजा कौशलेन सिंह व उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अलका सिंह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 22 जनवरी को जब रामलला अयोध्या में विराजेंगे तो एक विशाल भंडारे का भी आयोजन रायबरेली के चंदापुर स्टेट में किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महाराजगंज चंदापुर स्टेट के बड़े राजा कौशलेन सिंह व उनकी धर्मपत्नी अलका सिंह के द्वारा 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाया गया। कथा में आचार्य पंडित लाल चंद्र शुक्ल ने कहा कि जीवन में जब भी भगवत नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो उससे विमुख नहीं होना चाहिए। भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए बताया कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। चौथे दिन आयोजित कथा में प्रहलाद भगवान का पावन अवतार, देवसुर संग्राम, मोहिनी के रूप में भगवान का प्रकट होना, समुद्र मंथन से प्रकट भिन्न भिन्न रत्नों का देवताओं में वितरण तथा सूर्य वंश एवं चंद्र वंश का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक वर्णन किया गया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान चंदापुर स्टेट के बड़े राजा कौशलेन सिंह व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका सिंह, पुत्री योगमाया, छोटे भाई ब्रजेंद्र सिंह बन्नू राजा एवं उपमेन सिंह सोनू राजा व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंचल कुमारी जी के साथ बहुत से सहयोगी दलों के द्वारा विधि विधान से कथा का रसपान किया जा रहा है। बड़े राजा कौशलेन सिंह ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं 22 जनवरी को भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आचार्य श्री सत्यम जी एवं विपुल जी के द्वारा संगीत में पाठ कर आयोजन किया गया। S7 की डेस्क रिपोर्ट। तेरे शीश में सोवे।